शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अरे मनोज बाबू, ऐसी कोनू बात नहीं है, आपको जरूर कोई गलत फहमी है। अरे हमारी बात तो सुनिए। अरे हवेली पे कोई नहीं है। अरे हाँ हाँ ठीक है, हम आते हैं। चाहिए बाबा, आप चलिए। बाबा भगवान जी, बीना आंटी और उनके छुटके बच्चे को बचा लीजिएगा प्लीज। क्या हुआ? पिनाटी बेहोश होकर गिर गई थी। हमारा बच्चा तो ठीक है ना? हाँ डॉक्टर अंकल, पिनाटी को अंदर लेकर गए। हमारा बच्चा? चल चल, डॉक्टर को अपना काम करने दो, तुम काहे? हमारा बच्चा तो ठीक होगा ना? हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। शरद, हमारी बात मानो, शरद शांति रखो। बिना ठाकुर के पति कौन है? हमें। हमारा बच्चा तो ठीक है ना? रिलैक्स रिलैक्स, बिना जी की हालत अब खतरे से बाहर है। वो गिर गई थी इसलिए थोड़ी अंदरूनी चोट थी, बाकी थोड़ी देर के बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन आपको उनका खास ख्याल रखना होगा। डॉक्टर, हम कह रहे हैं हमारा बच्चा तो ठीक है ना? हमारा बच्चा? शरद आराम से बोलिए डॉक्टर, बोलिए। बोलिए। देखिए, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। शरद, तो ये सब हमारी बाना का किया धरा है। वाह बाना वाह, मानना पड़ेगा तुमको। संभालो
यहाँ संभालिए, हम शरद को संभालते। चले गए, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बाबा को तो घर पे होना चाहिए। क्या करे क्या करे, घर जाते हैं और सबको बता देते हैं कि बाबा बाहर चले गए। बाबा सॉरी सॉरी सॉरी, आपको लगा तो नहीं, आपको तो काफी चोट लग गई है। चलिए चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। चलिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, देखिए ना, हमारी पत्नी की तबीयत खराब लग रही है। इनके सर पे चोट लगी है, जरा देखिए। चलो चलो चलो, पता नहीं शरद अंकल कहाँ होंगे। जैसी बीना आंटी होश में आएगी ना, वैसे शरद अंकल को ढूंढेंगी। यहाँ पर भी नहीं है। बंटी, हमने मना किया है ना, ऐसे बाहर मत खी, अरे बीमार हो जाएगा, समझता क्यों नहीं है? बेटा हमारी बात सुन। बाबा, बाबा हवेली के बाहर चले गए। माँ, हम उनके पीछे भी भागे लेकिन अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गए, और ढूंढने पर। ये भगवान, ऐसे कहाँ चले गए वो? उनकी रक्षा करना। हेलो, ये
ये क्या बोल रहे हो? क्या हुआ? माँ बोला पता ना भावना, क्या हुआ? बोलती काहे नहीं? बोल रहे पता ना क्या हुआ? पता मास्क ला लो। अभी अभी फोन आया था, बिना भाभी का एक्सीडेंट हो गया है और उनका बच्चा नहीं रहा माँ, और वो अस्पताल में। ये क्या हो रहा है हमारे घर में? पहले भानु के बाबूजी चले गए और बीना के जीवन की सबसे बड़ी खुशी भी उसे छीन ली। हे भगवान, ऐसा काहे हो रहा है हमारे घर में? भावना, बीना चाची का बच्चा मर गया? श्रवणी ने तो सपने में भी देखा था ना कि बीना चाची का बच्चा किसी खतरे में था, पर श्रवणी को पहले से कैसे पता चल गया कि बीना चाची के बच्चे के साथ कुछ बुरा होने वाला है? बीना माँ बनने वाली है। अफसोस हुआ जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत बुरा लगा है तुम्हारे और बीना के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, पर कहीं ना कहीं इसके गुनहगार हम नहीं। हमें माफ कर दो, हमारी वजह से तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आया। हमें माफ कर दो सरन, हम तुम्हारे बच्चे की जान नहीं बचा पाए। जानते हुए कि बीना नहीं चाहती कि ये बच्चा इस दुनिया में आए, उसने जान बूझ कर लापरवाही की है। तुम्हें याद है ये तुम गलत दवाइयां क्यों खा रही हो? बंटी के वक्त तो हम ये रात को खाते थे। तुमको पता नहीं है कि कच्चा पपीता खाने से तुम्हारा बच्चा गिर सकता है, नुकसान हो सकता है? तुम जानती थी ये बात? जी जानते थे, लेकिन क्या कर रही हो? भाभी बस इनका पर्स उठा रहे थे। बटुआ कोई भी उठा सकता था, हमको बोल देती, भानु को बोल देती, विरोन को बोल देती। पंडित जी ने कहा है कि शाम को 7 बजे तक चंद्र ग्रहण है, तो तुम आसमान की तरफ मत देखना, खिड़कियां बंद रखना, बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? वो कैसे चाह सकती है कि उसका बच्चा इस दुनिया में ना आए? क्यों किया बीना ने ऐसा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें सख्त था लेकिन चूक गए, हम उसे रोक नहीं पाए। हमारी एक पल के लिए नजर हटी और दुर्घटना घटी, मार दिया उसने तुम्हारे बच्चे को। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कहा था ना हमने कि इस राजपाट के मालिक सिर्फ हमारे बच्चे होंगे। जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे हम इसी तरह रास्ते से हटा देंगे।
बाबा कहाँ होंगे? लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे थे? वो तो लखनऊ में थे ना, और माँ का है? अगर किसी ने भी पापा को देख लिया ना और चंद्रा आंटी को बता दिया तो चंद्रा आंटी कुछ भी कर सकती है। कहाँ होंगे? नेत्रा हमारी बहू। क्या किया केशव बाबू? भूल गए किस खानदान से हैं? इनके आगे नात ना पीछे पगा शादी करके ले आओ, सरो शरम नहीं आई? सड़क की धूल आंखों पे नहीं लगाई जाती। निकल बाहर। अगर नेत्रा यहाँ है तो मतलब हमारा केशव भी यही जरूर होगा, हमारा बेटा। हम जानते हैं हमारा केशव भी यही है। चंद्रा बहू को नहीं पता चलने दे सकते कि हमारी नेत्रा बहू भी यही है। वो जरूर हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। हमें नेत्रा बहू को चंद्रा से बचाना होगा। आज हम बहुत खुश हैं। जैसे केशव और नेत्रा के बच्चे को हमने खत्म कर दिया था, आज शरद और बीना के बच्चे को भी हमने कहा था ना कि हमारे घर पे सिर्फ हमारे बच्चे राज करेंगे और जो भी रास्ते में आएगा ना, ना चाहते हुए भी काका करना पड़ता है। बाबा कहाँ चले गए? हमें मिल क्यों नहीं रहे? क्या करें? नेत्रा बहू को चंद्रा से कैसे बचाएं? हाँ, यही सही है। चंद्रा को पता नहीं चलेगा कि ये हमारी नेत्रा बहू है। अच्छा एक बात बताइए, अब तो बीना जी को यहाँ से लेके जा सकते हैं ना? जी सर। अरे यार महाराज, I'm sorry। जी कोई बात नहीं। अरे मोहन जी आप? अरे हम वीरेन। अरे अरे पकड़ी आप यहाँ कैसे? आप तो लखनऊ में थे ना, गोरखपुर कैसे आ गए? वीरेन जी? हाँ वीरेन, और नहीं तो कौन? कहाँ है हमारी बच्ची? अरे आपकी बच्ची एकदम ठीक ठाक है, आप टेंशन मत लीजिए।
फिर आइए हमारे पास आइए। आप कहा बिना बात के जज्बाती हो रहे हैं, बताइए क्या बात, इधर कैसे आ गए आप? आपने हमसे झूठ कहा था कि हमारी बच्ची आंगनबाड़ी में है, हम वहीं से आ रहे हैं। उन्होंने कहा इस नाम की कोई बच्ची नहीं रहती वहाँ और आप भी वहाँ काम नहीं करते, तो फिर आपने हमसे झूठ क्यों कहा? हम कुछ नहीं जानते विरेन जी, आप हमें बताइए हमारी बच्ची कहाँ है। अरे आपकी बच्ची एकदम ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है, यहीं पर है, मतलब हॉस्पिटल में। क्या हुआ हमारी बच्ची को? कुछ नहीं हुआ, एकदम ठीक ठाक है, बिना बात के आप पैनिक कर रहे हैं, एकदम बढ़िया है, अभी मिलवाते हैं हम आपको उससे। अब झूठ बोल रहे हैं, हमें आप पे भरोसा नहीं। अरे हम कह रहे हैं आपको मिलवा रहे हैं, यहीं हैं, हॉस्पिटल ही में है, अपनी सहेली को देखने के लिए आई है, जैसे ही फ्री हो जाएगी आपसे मिलवा देंगे, बिना बात के परेशान हो रहे हैं, आप टेंशन मत करिए। नहीं नहीं नहीं, आप अभी बुलाइए ना शर्मिनी को, उनको भी मिलना है। चलिए आइए हमारे साथ, आइए चलिए हम मिलवा देते हैं आपको, आइए। ऑपरेशन थिएटर। शीतल मिश्रा। ऑपरेशन थिएटर रेडी है, शीतल मिश्रा को ले जाना। हाँ यही है शीतल मिश्रा, चलो। दीदी दीदी कहीं आपने हमारे माँ बापा को देखा है? वो ना देख नहीं सकते। नहीं बेटा मुझे नहीं पता। दादाजी आप, और आपके सर में चोट कैसे लगी? उसको छोड़ो बेटा, हमारी बहू नेत्रा हॉस्पिटल में है। कहाँ है वो? वो ठीक तो है ना? वो अंदर है। हाँ जल्दी आइए दादाजी। आपकी माँ को ऑपरेशन के लिए लेके गए हैं। ऑपरेशन? शवनी, शवनी कहाँ चली गई? शवनी, अरे यहाँ जो पेशेंट था वो कहाँ है? अभी अभी उनको ऑपरेशन के लिए लेके गए हैं। ऑपरेशन के लिए? जी। हेलो सिस्टर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बाय। शीतल मिश्रा, इनकी एक किडनी डैमेज है, रिमूव करना पड़ेगा। अरे सभी बेटा, हमारी बहू नेत्रा तो वहां है नहीं, वो लोग बोल रहे हैं कि वो उसको ऑपरेशन के लिए ले गए। देखिए उनकी किडनी खराब है इसलिए ऑपरेशन हो रहा है। क्या?
हम जाके केशव को ढूंढते हैं। भगवान जी कुछ जादू करके हमारी माँ को ठीक कर दीजिए ना। अब यहां कैसे? ठीक तो है, ये चोट वोट कैसे लगा के आए गए? बेटा वो सब छोड़ दो, एक बात बताएं, केशव और नेत्रा यहां पर हैं। केशव और नेत्रा यहां पे? हाँ। हाँ बापूजी, घर है, दिखाइए हमको, दिखाइए। केशव नेत्रा यहाँ है? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बाप रे, देखिए हमको तो जान दीजिए, बस एक मिनट दीजिए, हमको जाने दीजिए। अरे तुम यहाँ हो? मेरा बच्चा कैसे कैसे है? मेरा बच्चा ठीक तो है? बाबा माँ को क्या हुआ है? माँ का ऑपरेशन क्यों हो रहा है? नहीं, नहीं बेटा, माँ का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। वो क्या है कि बस तुम्हारी माँ को हल्का सा चक्कर आ गया था, उसकी वजह से ग्लूकोज चढ़ रहा है। नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा, माँ को ऑपरेशन के लिए लेकर जा रहे थे उधर अंदर। देखिए उनकी किडनी खराब हो गई है, तो किडनी का ऑपरेशन चल रहा है अंदर। ये झूठ बोल रही है वीरेन जी, ये झूठ बोल रही है। उनका कोई किडनी नहीं खराब है, उनको बस हल्का सा चक्कर आया था जिसकी वजह से उनको ग्लूकोज चढ़ रहा है बस। एक मिनट, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए अपनी पत्नी को लेकर के आए आप? लगी उनका किडनी निकालने के लिए? ये सब चल रहा है हॉस्पिटल में, जानती नहीं आप हमको? ईट से ईट बजा देंगे आपके हॉस्पिटल का, ये सब का बकवास चल रहा है यहाँ? बाबा बस हम अभी आते हैं। अरे बेटा कहाँ? शिवनी, एनेस्थीसिया देना है इनको। बेटा हमारा नाम शीतल है। आपको क्या हुआ? हम यहाँ किडनी के ऑपरेशन के लिए आए। हमारी पत्नी को बाहर बुलाइए ना। देखिए आप घबराइए मत, उन्हें कुछ नहीं होगा, डॉक्टर साहब अंदर हैं। आपकी पत्नी को किडनी की सर्जरी की जरूरत है, इसलिए उन्हें ऑपरेशन के लिए लेके गए हैं। आप लोग गड़बड़ लग रहे। दीदी ये लीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारी माँ के नाम का चार्ट किसी और के बेड पे लगा हुआ था। हमारी माँ का नाम नीति। जिन्हें अंदर सर्जरी के लिए ले गए हैं उनका नाम शीतल है। शीतल आंटी बाहर है उस कमरे में। नीति सिंह कैसे हो सकता है? रुक जाइए।
ओके डॉक्टर साहब। अरे अरे कौन है आप तो गोटी में क्या कर रहे हैं? आपको अंदर आने से किसी ने रोका नहीं? यहाँ किडनी चोरी कर रहे हैं आप लोग। किसकी बातें कर रहे हैं ये? क्या कर रहे हैं आप हमारी पत्नी के साथ? ये आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। सिस्टर क्या हो रहा है ये सब? वो डॉक्टर साहब कुछ गलत फहमी हुई है। कैसी गलत फहमी हुई है? क्या चल रहा है ये सब? ये गलत फहमी हुई है, हमारी माँ का नाम नीति है, शीतल नहीं है। आप उनका ऑपरेशन क्यों करें जब वो बिल्कुल ठीक है? सारे अनपढ़ लोग जमा कर रखे हैं आपने डॉक्टर साहब। ये क्या चल रहा है हॉस्पिटल में? हाँ अरे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? देखिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन परमात्मा की बहुत बड़ी दया है कि अभी तक ऑपरेशन शुरू नहीं किया है और इनको बस एनेस्थीसिया दिया है, उसी वजह से ये बेहोश हैं। जल्दी होश में आ जाएंगी प्लीज। आप मेरी बात का यकीन मानिए, होश में जल्दी नहीं आई तो आप सब लोग को बेहोश कर देंगे, हम बता रहे हैं। नहीं नहीं आ जाएंगी। इसके अंदर है? इसके अंदर? हाँ। अरे मैडम जी, वो अंदर जो पेशेंट है उनका नाम क्या है, कौन है? जी उनका नाम शीतल मिश्रा है। शीतल मिश्रा है? अरे नहीं, नेत्रा है अंदर। नेत्रा के सब कैसे हो सकते हैं बाबूजी? अरे बाबूजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये चोट कैसे लग गई आपको? तभी हमको भावना का फोन आया था कि घर से भाग गए, परेशान हो रहे हैं हम, अम्मा जी परेशान हो रही हैं, भावना परेशान हो रही है इनके लिए। अरे भाग गए? अरे हम दवाई लेने जा रहे थे तो टकरा गए हमसे, अब ये कहे जा रहे हैं कि यहाँ तो केशव नेत्रा है। आप कहाँ इनकी बातों में आ रहे हैं, आप उनकी हालत जानते हैं ना, गलत फहमी हो गई होगी। हे भगवान हमारे नेत्रा और केशव को चंद्रा से बचा लेना। आप एक काम करिए, बीना को छुट्टी होने वाली है, आप जाके डॉक्टर से बात कीजिए। अच्छा ये बाबूजी। अरे बेटा नेत्रा अंदर है। नहीं हम कहीं और जाके देखते हैं, आइए आओ बाबू आओ। पानी पी लीजिए। बाबू आप लोग गोरखपुर क्यों आए? आप तो लखनऊ में अपना इलाज करवा रहे थे ना। वो कहा कि वीरेन जी का फोन नहीं लग रहा था जिससे कि तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, तुम्हारे बारे में सोच सोच के तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब हो रही थी जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ आना पड़ा। कहा कि तुम आंगनवाड़ी में रहती हो, वहाँ पे तो वो लोग बोले कि यहाँ पे शबनी नहीं रहती, क्यों बोला ऐसे? आप लोगों का नंबर जो है गलती से ब्लॉक हो गया हमारे मोबाइल में, हमको ऐसा लगता है, इस वजह से आप लोगों से संपर्क नहीं साध पा रहे थे, समझ रहे हैं आप लोग? बेटा तुम आंगनबाड़ी में क्यों नहीं थी? वो लोग बता रहे थे कि तुम वहां नहीं रहती। हम आंगनवाड़ी में ही रहते, हम जहाँ रहते हैं ना आंगनवाड़ी में, वहां पर एक और आंगनवाड़ी है पास में, आप लोग वहां पर चले गए होंगे शायद गलती से। हमारे तो वहां पर दोस्त भी बन गए, हम उनके साथ खेलते हैं और हम बहुत खुश है। आप लोग निश्चिंत रहिए, बिल्कुल ठीक ठाक है ना, आंगनवाड़ी में इसके सारे दोस्त बन चुके हैं, सबके साथ खेलती कूदती, देखो ना एक का तबियत खराब था तो उनसे मिलने आई है। वैसे आप लोग अपना इलाज इसे बीच में छोड़ कर क्यों आए? डॉक्टर अंकल गुस्सा आ जाएंगे ना। शमनी
कैसी बात कर रही हो बेटा? हमें चिंता हो रही थी तुम्हारी। माँ बिल्कुल ठीक है। अरे आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, बिल्कुल ठीक है गुड़िया रानी आपकी, आप परेशान मत होइए। इसके तो दोस्त यार बन गए और आंगनवाड़ी में एकदम मतलब मजे से है ये। श्रव जी तुम भी हमारे साथ चलो ना, हमें तुम्हारे बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बेटा। वहाँ माँ बच्चे हमें, आप बच्चों जैसी बात क्यों कर रही है? अगर हम आपके साथ चले गए तो स्कूल कैसे जाएंगे? फिर मास्टर जी हमसे नाराज हो जाएंगे ना। बाबा आप अपना इलाज अच्छे से करवाएंगे ना? हाँ बेटा। शमी अब हम तुमसे दूर नहीं रहेंगे, तुम चलो ना हमारे साथ। बोलिए नहीं से। आपके बिना तो हम भी रहना नहीं चाहते। बस एक बार बाबा का इलाज हो जाए फिर हम सब साथ में रहेंगे ना, अपने खुद के घर में। हमारा मतलब है हमारे घर में, बस आप लोग अपना एक बार इलाज करवा दीजिए। अब आप लोग चलिए हमारे साथ, हम आप लोग वो बस अड्डा छोड़ देते हैं ना। बेटा खूब मन लगा कर पढ़ाई करना। हाँ हाँ, और आप भी अपना ख्याल रखना। बैठो तुम बैठो। हाँ चलिए। भगवान जी हमें पता है आप हमसे नाराज है ना, क्योंकि हमने आज माँ बाबा से इतने सारे झूठ बोले, पर हम क्या करते भगवान जी, हम उन्हें नहीं बता सकते ना। यहाँ क्यों बैठी हो? ये हमारी जगह है, माँ के बाद हम यहाँ बैठते हैं। हम प्यार से कह रहे हैं उठ जाओ। हम नहीं उठेंगे। नहीं उठोगी? हमने कहा ना उठो, वरना हम तुम्हारी टांग खींच के तुम्हें नीचे गिरा देंगे, फिर रोते रहना बैठ के। आप चाहे हमारी टांग खींचो या कुछ भी करो, हम नहीं उठेंगे। अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगी? नहीं मानोगी। जूते कितने प्यारे जूते हैं, माँ ने दिलाए ना? अरे हमें पता है माँ ने दिलाए होंगे, हमारे पास भी बहुत सारे पैसे हैं, हम भी तुम्हें अच्छे जूते दिलाएंगे। या फिर जूते छोड़ो, तुम्हें चॉकलेट खानी? चॉकलेट खानी तुम्हें? हाँ हमें पसंद तो है, पर आप तो हमें अपनी चॉकलेट देते नहीं, तो आज कैसे? अरे तुम तो हमारी छोटी बहन है, तुम्हें तो चॉकलेट खिलानी पड़ेगी। तो चलो चलो चॉकलेट खाने चलते हैं। अरे इस कार को रखो, आप चलो। ये पंटी को क्या हो गया, हमें देखकर डर क्यों गया? जाकर पीना आंटी से मिलकर आते, वो परेशान होंगी। आप ले जाइए। पहले आप रोना बंद करिए। अब भगवान पे भी भरोसा कीजिए ना, वो आपकी झोली फिर से खुशियों से भर देंगे। बिल छोटा मत कीजिए। हाँ आपको पता है माँ की भी तबीयत कितनी खराब हो गई है, आपके बारे में सोच सोच के परेशान होके उन्होंने भी अपनी तबीयत बिगाड़ ली, तो हम थोड़ा उनको देख के आते हैं। लेकिन आप रोना बंद कीजिए पहले। और कुछ भी जरूरत हो तो हमें बोलिए, हम सब हैं ना आपके साथ। हुँ?
आंटी अब आपको कैसा लग रहा है? कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। जब से ये हादसा हुआ शरद जी हमसे मिलने तक नहीं आए। पता नहीं क्या बीत रही होगी उन पर। हमें तो इतनी घबराहट हो रही है, वो बहुत गुस्से में होंगे। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर शरद अंकल आपसे क्यों गुस्सा होंगे जब आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है? वो तो हमें किसी अंकल का फोन आया था कि शरद अंकल का एक्सीडेंट हो गया। बाकी इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। हाँ, हमारे बाबा कहते कि माँ भगवान का रूप होती है, इसलिए तो देवी माँ को भी माँ कहते। आप ऐसा मत सोचिए कि इसमें आपकी कोई गलती है। माँ की कभी कोई गलती नहीं होती, माँ हमेशा सही होती है। हम आपके लिए दूध लेकर आते हैं। चुप के बात क्यों कर रहे? और जब हम देख रहे तो नजर घुमा रहे। कब से देख रहे हम? क्या बात कर रहे हैं आप दोनों? हमें माफ कर दो देवी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। ये क्या कर रहे हैं आप? हम देवी नहीं, हमारा नाम श्रवणी है। हमें पता चल गया आपके देवी माँ का आशीर्वाद है, इसलिए आपके पास कोई जादू है। जादू? कौन सा जादू? हमारे पास कोई जादू नहीं है। किसने कहा आपसे कि हमारे पास कोई जादू है? हमसे बंटी बाबू ने कहा कि आपके पास कोई जादू है, इसलिए उस दिन तेंदुए ने आपके साथ कुछ नहीं किया और उस दिन आपको करंट भी नहीं लगा। और बिना मालकिन के बच्चे के साथ जो कुछ होने वाला था वो आपको पहले से ही पता था। हमें माफ कर दो देवी, हमें माफ कर दो। अच्छा, तो बंटी को ऐसा लगता है कि हमें कोई देवी माँ का आशीर्वाद है, कोई जादू है, इसलिए वो हमसे इतना घबराया हुआ है। पर उसे ऐसा क्यों लगता है कि बंटी भी ना पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाता रहता है। इतनी मुश्किल से तो उसका पढ़ाई में ध्यान लगा था और चंद्रा आंटी ने बंटी को गलत गलत बातें सिखा दी। अब हम क्या करें जिससे बंटी का पढ़ाई में ध्यान लग जाए? वो तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। अरे हाँ, अब हमें पता चल गया कि बंटी को पढ़ाई के लिए कैसे बनाना है। इंदु, हमें तुम्हें एक बात बतानी है। आज हमने हॉस्पिटल में नेत्रा को देखा है। ये आप क्या कह रहे? हाँ, मैंने खुद देखा। हम पे कृपा कर, चाहे कुछ भी हो जाए चंद्रा भौरिया का साया हमारे बच्चों पे ना पड़े।
माता रानी से कितने भी हाथ पैर जोड़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। साए के जैसे मंडराते रहेंगे। का पंचायत चल रही है? हमको घर से निकालने की साजिश? वो तो नहीं होने वाला बाबूजी, वो कभी नहीं हो सकता। और रही बात नेत्रा और केशव की, अब तो आपको पता चल ही गया है, अब आपसे का छुपाना। जहां बीना के बच्चे को पहुंचाए ना, वहीं उन दोनों को पहुंचाएंगे। ढूंढ के निकालेंगे और इस बार चूकेंगे नहीं। वो हर्ष करेंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। अब बात छोड़ दे बहुरी, ऐसा कुछ मत कर। आप हाथ छोड़िए तो हमारे पैरों में पड़ जाए। हमको जो करना है हम वही करते हैं, ये तो आप जानती हैं ना। चलिए चलिए, अपनी पंचायत चालू रखिए। के पापा क्या करेगी वो? क्या करे, हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। ये बात हर घड़ी रक्षा कर। दिखने लग गया, जैसे आपने हमें करंट से बचाया था और फिर तेंदुए से बचाया था। आप हमारी रक्षा ही करती है ना, और जो चीज होने वाली होती वो आप पहले हमारे सपने में आकर हमें बता देती, क्योंकि हम रोज रात को 12 बजे आपकी पूजा जो करते हैं। ऐसी अपनी कृपा हमारे ऊपर रखिएगा और ऐसे हमें जादू देते रहिएगा। हमें भी देवी माँ वाला जादू चाहिए। हम भी रोज रात को 12 बजे पूजा करेंगे, फिर हमें भी जादू मिल जाएगा। बात नेत्रा और केशव की, अब तो आपको पता चल ही गया है, अब आपसे का छुपाना। जहां बीना के बच्चे को पहुंचाए ना, वहीं उन दोनों को पहुंचाएंगे। रात आपका इंतजार कर रहे थे। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? हमारा बच्चा हमसे छीनने के बाद
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे सवाल जवाब करने की? कातिल हो तुम हमारे बच्चे की, कातिल हो तुम। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहा हूं मैं? अरे सब्र का इम्तिहान मत लो बीना, ना हम तुम्हारा वो हासिल करेंगे कि जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी तुम। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, और आप इतनी बड़ी बात हमसे कैसे कह सकते हैं? अगर आपने अपना बच्चा खोया है तो हमने भी खोया है। आप अगर एक पिता है तो हम भी एक माँ है, और आपने कितनी आसानी से हमें बोल दिया कातिल। आपको पता भी है कि हुआ क्या था? हमें पता चला था कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए हम घर से बाहर गए, और आप हम ही पे इल्जाम लगा रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, आज के बाद अगर आपने हमें हमारे बच्चे का कातिल कहा ना, तो अच्छा नहीं होगा। खबरदार, नौकरों को कहना कि ध्यान से बाबा का जो दरवाजा है उसमें ताला लगाया करें, जो कल हुआ है वो होना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, हम पूरा ध्यान रखेंगे, चिंता मत कीजिए। वो तो अच्छा है कि अस्पताल में बाबा जी को किसी ने भेज दिया जहाँ हम लोग सब थे, वरना अर्थ हो जाता। मालिक, हाँ ये हम बारूद मंगाए हैं, वो अपना मिट्टी की खान के लिए वहाँ इस्तेमाल होगा। वीरेन, इसको भंडार गृह में पहुँचा दो, संभाल के रखना है इसको, और सबको बता देना कि कोई इसके आगे पीछे छुए हुए ना, वरना हाथ पैर उड़े तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अरे टेंशन क्या ले रहे हैं जी जी आप, अरे हम है ना अच्छे से संभाल के रखवा देंगे। ए दिलीप का कहीं आओ। मालिक, ये आपके लिए आया। क्या है ये, किसने भेजा? पता नहीं मालिक ये किसने भेजा है, पर ये किसी ने घर के दरवाजे के बाहर रखा होगा। तुम सोते होते रहते हो क्या? कोई भी बाहर आके कुछ भी रख के चला जाता है और तुम उठा के ले आते हो। अच्छा ठीक है चलाओ। क्या है? कौन आ गया? हेलो मिश्रा जी। कभी भी फोन कर देते। हेलो, पैकेट काहे को आया है? पानू को खुल भी नहीं किए। बारह बजने में 5 मिनट ही बाकी हैं। अरे यार कहाँ लगाऊं? बोलो बेटा क्या चाहिए तुम्हें? जादू चाहिए ना, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक काम करना होगा। जी देवी माँ, आप जो कहेंगे हम करेंगे। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी, करोगे? अच्छा, तो तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी तो जादू भी नहीं मिलेगा। ठीक है तो हम जाते। नहीं नहीं देवी माँ, आप मत जाइए,
हम वादा करते हैं हम मन लगा के पढ़ाई करेंगे और जो आप कहेंगे वो सब करेंगे। बंटी के कमरे में लाइट का है ऑन, देखें जरा। ठीक है, ठीक है, तो वादा करो कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे और कोई भी मना करे पढ़ने पर फिर भी तुम पढ़ोगे और परीक्षा के लिए हम तुम्हारी माँ से बात कर लेंगे, लेकिन तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। बस तुम किसी को इस बारे में बताना मत, अगर बताया तो फिर तुम्हें जादू नहीं मिलेगा। दीदी, दीदी माँ रानी, हम किसी को इस बारे में नहीं बताएंगे, बस हमें जादू दिलवा दीजिए। करो बंटी, हम वो प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना? तुम कब से प्रार्थना करने लगे? और ये टॉर्च का जलाए हो? वो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते वक्त टॉर्च या फिर मोमबत्ती चाहिए होती है। और वैसे आप हमारे कमरे में क्यों आई हैं? तुम्हारी टॉर्च की वजह से, हम सोचे बत्ती जल रही है तुम्हारे कमरे में, तुम सोए हो या नहीं सोए हो? वैसे हमें बहुत नींद आ रही है, तो आप जाइए, हमें सोना है। और पानी का ये भी ले लीजिए, हमें नहीं पीना। माता रानी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, माता रानी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बंटी बेटा, अब हम चलते हैं, लेकिन कल की परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना, ठीक है? मास्टर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपको कहे थे ना कि हम फोन करेंगे, तब आइएगा। पर हमें तो आप ही के घर से फोन आया था बंटी को पढ़ाने के लिए। पढ़ा लिया, अब आप जाइए। ठीक बंटी बेटा, कल की परीक्षा याद से, ठीक है? भूलना मत। तुम मुस्कुरा रही हो ना किनारे खड़े होकर, हमें सब पता है। तुम्ही ने कॉल किया था ना मास्टर को? नहीं माँ, श्रवणी ने टीचर को कॉल नहीं किया था, हमने उनको कॉल किया था। हमें पढ़ाई करनी है। तुमसे कह कौन रहा पढ़ाई करने के लिए? कोई हमसे पढ़ाई करने के लिए नहीं कह रहा, हम खुद से पढ़ाई कर रहे हैं। हमने तुमको समझाया था ना उस दिन कि पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, और तुमको क्या जरूरत है? तुम तो वैसे ही इस घर के मालिक हो, तुम्हें राज करना है, बाबा जैसा बनना है। समझाए थे ना उस दिन तुमको? कोई भी मना करे पढ़ने पर फिर भी तुम पढ़ोगे। नहीं माँ, हमें पढ़ाई करनी है, और अगर आपने पढ़ाई करने से हमें रोका तो हम बाबा को बोल देंगे। तुम हमको धमकी की? श्रवणी, हमारी किताबें बैग में रखो और हमारे कंपास भी, हम खेलने जा रहे हैं। ठीक है। आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा हमको धमकी दे रहा है, ये नतीजे पे पहुंचा दिया तुमने? पट्टी पढ़ा रही हो तुम? पट्टी पढ़ा रही हो तुम उसे? तुम्हें छोड़ेंगे नहीं श्रवणी। तुम अम्मा,
भौरिया की तबीयत अब कैसी है? वैसे तो बीना ठीक है, पर उसको बहुत दुख पहुंचा है, मानसिक तनाव में है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। बिरेन, वो बारूद संभाल के रख दियो कि नहीं? हाँ हाँ, ये अब कहाँ टेंशन ले रहा। हमने आपको बताया था ना, हमने गोदाम में रख दिया, वो भी बक्से के अंदर संभाल करके रखा। आप निश्चिंत रहो, बताना जरूरी है। और सुनो, तुम लोग भी आसपास फटकना नहीं, और खास तौर पे बच्चों, तुम लोग गलती से छूना तक नहीं। अरे ऐसे ही थोड़े ना फट जाएगा, बच्चों का भरोसा नहीं है ना भैया। वो भैया, हम दो दिन के लिए लखनऊ जा रहे हैं। वो हमारी जो लखनऊ वाली फैक्ट्री है ना, उसके कुछ हिसाब किताब में गड़बड़ी हुई है, तो उसी सिलसिले में हमें वहाँ जाना होगा। शरद अंकल, ऐसे गंगा दशहरा के दिन जाना ठीक नहीं है। आपको ऐसे में घर पर रहना चाहिए, सबके साथ पूजा भी होगी ना। सच बताए बेटा, पहले हमारे यहाँ हर साल गंगा दशहरा की पूजा होती थी। आपको पता है, गंगा दशहरा के दिन ना माँ गंगा खुद धरती पे आई थी। इसलिए आज के दिन सारे लोग गंगा जी के पास जाकर उनकी आरती करते हैं। तो घर में भी पूजा होगी तो कितना अच्छा लगेगा ना। ठीक तो कह रही है बिटिया रानी, अम्मा आज घर में एक पूजा रखते हैं। या हम पूजा के लिए ना रुक पाएंगे, हमारा जाना जरूरी है, चलते हैं। पर बेटा, अरे अम्मा जाने दीजिए, मन खराब है उसका। बाबा बाबा, आज गंगा दशहरा है ना, हमारे सारे दोस्त पटाखे जला रहे, हम भी जलाएंगे। पर बीना आंटी दुखी है, और ऐसे में अगर हल्ला गुल्ला होगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। बिटिया तुम इतनी छुटकी सी हो, लेकिन कितनी समझदारी वाली बातें करती हो। कोई पटाखा वटाखा नहीं फूटेगा, समझे? पूजा करो, कुछ सीखो श्रावणी से। आज पूजा घर पे होगी। आज उस श्रवणी की वजह से पापा ने हमें पटाखे जलाने से रोक दिया। हम पटाखों को देख के बच्चों की तरह ताली बजाते रहे। पिछली दिवाली के पटाखे यहीं कहीं रखे होंगे, चाहे श्रवणी रोके या फिर बाबा रोके, हम तो पटाखे जला कर रहेंगे। पूजा के लिए दिया लेने आए थे, और तुम वो हम ऊपर बॉल से खेल रहे थे तो वही वो नीचे आ गई थी, तो वही ढूंढने आए थे। हाय बॉल,
अरे वो तो हमें मिल ही नहीं रही है, और वैसे तो हमसे इतने सारे सवाल क्यों पूछे जा रही हो, हम तो ये जवाब क्यों दे? ठीक, तुमने कोई बदमाशी तो नहीं की है ना, वरना तुम ना तुम बार बार हमारी अम्मा मत बनो फालतू का, और तुम होती कौन है हमें रोकने वाली? हम तुम्हें रोकने वाले तुम्हारी बड़ी बहन होती है बंटी। ये बंटी भी ना पता नहीं इसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, मैं तो इसकी बदमाशियों से डर ही लगता है, कभी उसकी वजह से कोई मुसीबत ना आ जाए। अरे हाँ, वो कल हमारे लिए एक लिफाफा आया था ना। अरे वो उसी दराज में तो है, उसमें ड्रेसिंग टेबल के पहली वाली दराज में। तो अच्छा, वहां रखा है। खोलो इसको, देखो। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कुछ तो है जो हमारे लिए परेशानी खड़ा कर सकता है, वरना ऐसे कोई कैसेट काहे भेजेगा? आजकल वैसे भी बुरे दिन चल रहे हैं हमारे। तो सुन के देखें जरा। पानी वानी कुछ लाएं? कुछ आवाजें नहीं खराब हो गया क्या? नेत्रा केशव नेत्रा? केशव नेत्रा कुछ बोल रहा है, तुमने सुना? नहीं, हमका नहीं सुनाई दिया। अरे साफ साफ सुनाई दे रहा है हमको। को लगता है बाबूजी बार बार नाम लेते रहते हैं, आपके दिमाग में बैठ गया वहम है, हमको कुछ नहीं सुनाई दिया, कुछ आवाज ही नहीं आ रही है, किचिच किचिर कर रहा है। चलो छोड़ो, ठीक है, हम ठीक करा देंगे इसको, बहुत जरूरी है। क्या है इसके अंदर? में जरूर कुछ केसर और नेत्रा के बारे में। किसने भेजी है ये कैसेट? और कोई दरवाजे पे रख के खाया जाएगा? कोई फंसाना चाहता है क्या हमको? कुछ तो है। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।